नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी के बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह की हार्ट अटैक से मौत, लंबे समय से थे बीमार। नेपाल में मिला सुनहरे रंग का कछुआ, भगवान का अवतार मानकर पूजने लगे लोग। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें गायब। विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी के मकान में रह रहे थे 3 पुलिसकर्मी, हुए सस्पेंड। शिया धर्म गुरु बोले ताजिया निकाले नहीं देंगे तो देंगे गिरफ्तारी। हेट स्पीच पर विवाद के बीच संसदीय समिति ने फेसबुक को किया तलब। जाधव केस की सुनवाई के लिए पाक कोर्ट में अपना वकील रखना चाहता है भारत। आईपीएल के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं होंगे क्वारंटीन, आरसीबी का दावा। हरियाणा के सीएम खट्टर क्वारंटीन में, कोरोना पॉजिटिव शेखावत के साथ बैठक में थे शामिल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हाइड्रो पावर स्टेशन में आग, 8 लोग लापता। अयोध्या में शहर के निचले इलाकों में घुसा सरयू नदी का पानी, सुरक्षित स्थान पर गए लोग। अगले सप्ताह से 40,000 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करेगा रूस। अमेरिका में हेट स्पीच नियमों का उल्लंघन करने पर टिकटॉक ने 3,80,000 वीडियो हटाए। काला हांडी में 10 लाख की कीमत के गांजा के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। ईस्ट गोदावरी के गोदावरी नदी में नाव डूबा, 3 लोग को बचाए गए, वही 1 लापता। चित्तूर के डेयरी प्लांट में गैस लीक के बाद 14 मजदूर अस्पताल में भर्ती, 3 गंभीर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, 3,50,000 एकड़ का इलाका हुआ खाक। अक्षय ने शुरू की बेल बॉटम की शूटिंग, बोले लाइट्स कैमरा मास्क ऑन। कंगना पर बरसे आदित्य पंचोली, कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। स्पेशल ट्रेन की संख्या में और इजाफा करेगा रेलवे, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी रफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सामूहिक रूप से फैसला लेगी पार्टी। चंद्रयान 2 का 1 साल पूरा, अब बचा हुआ ईंधन अगले 7 साल तक आएगा काम। कोरोना के चलते पहली बार वर्चुअल अवार्ड समारोह, राष्ट्रपति भवन से साई सेंटर में दिए जाएंगे पुरस्कार। इटली में शेरी ए के नए सत्र से पहले करीब 8 खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित। एक सर्वे के अनुसार जापान की अधिकतर कंपनियां 2021 ओलंपिक के खिलाफ।